तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं लेकर गया हूँ ये हमारा यूएसबी ट्रैक के ऊपर है कि मतलब जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर यूएसबी ट्रैक खराब हो जाता है या यूएसबी ट्रैक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है या यूएसबी ट्रैक की समस्या को कैसे रिपेयर किया जाएगा उसके बारे में आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं और यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स होता है। 45 दिन के अंदर आप ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सीखते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीकों से। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है यूएसबी ट्रैक के ऊपर है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर यूएसबी ट्रैक की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे कि यूएसबी ट्रैक से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आती है। कोई भी मोबाइल फोन आपके पास आता है, चाहे एंड्रॉयड मोबाइल फोन हो चाहे कीपैड मोबाइल फोन हो, मैं सभी प्रॉब्लम को लेकर के चलता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। हमारे पास जो यूएसबी अगर जैक खराब हो जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि आपका मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर से सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता। जब आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में पैटर्न लॉक लगा है, पासवर्ड लॉक लगा है, FRP लॉक लगा हुआ है या हैंग लोगो, रीस्टार्ट डेट, ऐसी कोई भी समस्या है या कोई भी शिकायत है, अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। जब कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो फोन चार्जिंग तो बता रहा है लेकिन मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब होता है उसका यूएसबी का लाइन खराब हो गया है। या मोबाइल फोन कई बार ऐसा होता है, जियो के मोबाइल फोन में ऐसी समस्या आई थी और भी मोबाइल फोन में समस्या आती है कि चार्जिंग पर लगा दो तो चार्जिंग तो होगी लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी, उस कंडीशन पर उसके यूएसबी के पॉइंट खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूएसबी के पॉइंट खराब हो जाते हैं तो मोबाइल फोन को जब स्विच ऑफ में चार्ज करोगे तो स्विच ऑफ में चार्ज होगा लेकिन ऑन करके चार्ज करोगे तो ऑन करके चार्ज नहीं होगा। क्यों ऑन करके चार्ज नहीं होगा? इसलिए ऑन करके चार्ज नहीं होगा कि आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में यूएसबी की लाइन खराब हो जाती है। जब यूएसबी की लाइन खराब हो जाती है तो आप मोबाइल फोन में से ऑन करके चार्ज नहीं होगा लेकिन स्विच ऑफ में चार्ज होगा। ज्यादातर मोस्टली जियो के मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद यदि आपके पास मोबाइल फोन आता है कि सॉफ्टवेयर संबंधित है या कीपैड मोबाइल फोन आते हैं उसमें अगर यूएसबी का ट्रैक शॉर्ट हो जाता है या यूएसबी के पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन पर हमारे फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपके फोन में कीपैड ही काम करना बंद कर देता है। फोन चालू करोगे ऑन हो जाएगा लेकिन कीपैड नहीं काम करेगा। कई बार ऐसा कीपैड के फोन में ऐसा देखा गया है। तो चलिए मैं आपको यूएसबी ट्रैक के बारे में आपको पूरा समझाता हूँ और उसका डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, यूएसबी ट्रैक को जब आप चेक करेंगे तो यूएसबी ट्रैक को चेक करने के लिए आपके मोबाइल फोन में यूएसबी का इस तरीके से जैक लगा होता है। सबसे पहले मैं आपको 5 पिन के जैक के बारे में समझाता हूँ क्योंकि ज्यादातर आजकल मोस्टली यही जैक आता है, टाइप सी वाला भी आता है तो उसके पॉइंट को आप उसमें समझ सकते हैं। अब देखिए इनके पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जिन पॉइंटों को हमकी जरूरत होती है या जिनके पॉइंटों को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। उसके बाद इसमें से दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं VCH, ये चार्जिंग का पॉइंट होता है। यहाँ चार्जिंग के लिए VCH का ऐसा गोला भी दिया होता है। उसके बाद 2 पॉइंट होते हैं, ये तुम्हारे USB का पॉइंट होते हैं। इसके कंपनी इसके लाइन में ऐसे रेजिस्टेंस भी लगाती है, कई बार इसके ट्रैक में डायोड भी लगा होता है, कैपेसिटर भी लगा होता है और सप्लाई तुम्हारी आगे चली जाती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है उस दूसरे पॉइंट में भी सेम इसी तरीके से पोजीशन होती है, रेजिस्टेंस लगा होता है, डायोड होता है, उसके बाद कैपेसिटर होता है, फिर सप्लाई तुम्हारी चली जाती है। ये दोनों सप्लाई जो होती है कुछ मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर के अंदर जाती है वरना ज़्यादातर मोस्टली CPU के अंदर सप्लाई जाती हैं। ये आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपका डायोड है, कैपेसिटर है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। और एक पॉइंट जो होता है ये तुम्हारा दिया होता है USB सेंस के लिए, USB पॉइंट को सेंस करता है। कई मोबाइल फोन में इस पॉइंट को ऐसे कनेक्टिविटी करके छोड़ देते हैं। तो ये आपके मोबाइल फोन में DM DP दोनों पॉइंट होते हैं, इनको हम जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर गोले भी बने होते हैं, ऐसे बीच में गोले होते हैं, इस गोले को हम लोग DP यानी डाटा प्लस, इसको बोलते हैं DM यानी डाटा माइनस, DP DM या RX TX नाम से भी हम लोग इसको पॉइंटों को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किस नाम से? RX TX नाम से भी इनको डिनोट किया जाता है। ये पॉइंट आपके आगे जाते हैं और सीधे CPU से कनेक्ट होते हैं।
अगर कई बार ऐसे मोबाइल फोन में यूएसबी संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्या आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली यूआई को भी चेंज कर देते हैं। यूआई चेंज करने से भी जो भी हमारे मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, अगर यूआई के पॉइंट खराब हो जाते हैं तो यूआई को पूरा चेंज कर देते हैं। अगर यूआई नहीं चेंज कर सकते, या कुछ मोबाइल फोन का यूआई आपका मार्केट में नहीं मिलता, या कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में यूआई अगर चेंज कर दो तो उसके साथ में और भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे उसके अंदर माइक भी लगा होता है, हैंड फ्री जैक भी लगा होता है, चार्जिंग जैक भी होता है, स्पीकर रिंगर भी होता है, एंटीना भी होता है। तो एक बार जैसे स्टूडेंट था, उसने यूआई को चेंज कर दिया, यूआई चेंज करने के बाद इसके चक्कर में यूआई चेंज कर दिया, पता चला उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे, पुराने वाले यूआई में नेटवर्क आ रहे हैं। उस कंडीशन पर कुछ कंपोनेंट्स है जो कंपोनेंट्स नहीं दिए हुए थे, तो वो कंपोनेंट्स को हम लोग समझते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली उसी ट्रैक को रिपेयर करना पड़ता है। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे सैमसंग J2 का मोबाइल फोन आ गया, J7 मोबाइल फोन आ गया, J7 प्राइम आ गया, उसमें यूआई दिया ही नहीं, पूरा बोर्ड में ही कनेक्टिविटी है। जिसमें बोर्ड में कनेक्टिविटी है, तब तो आपको ट्रैक रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अगर इसका प्रिंट उखड़ जाता है, जियो का मोबाइल फोन है उसमें भी नहीं होता, तो उस कंडीशन पे इसको ट्रैक रिपेयर करना पड़ता है। जब ट्रैक रिपेयर करना पड़ता है, तो हम लोग इसके ट्रैक को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आती, यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू कितनी होती है, समथिंग 500 से लेकर 900 वैल्यू होती है। अगर वैल्यू मिलती है तो लाइन सही है, वैल्यू नहीं मिलती तो लाइन खराब हो जाता है। या इसके DMDP पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों पर भी आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं मिलता तो यहाँ से उठा करके यहाँ पर आप जम्पर दे देंगे, तो अभी आपका लाइन हो जाएगा और कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप इसके ट्रैक में जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं या डायोड वगैरह लगे हैं, इनको आप चेक करेंगे और इनको रिपेयर करेंगे। अब चलिए इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड में दिखाता हूँ, बोर्ड में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया मेरे पास ये मोबाइल फोन का बोर्ड है, इस बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, हम आपको इसको माइक्रोस्कोप में कनेक्ट करके पूरा दिखाते हैं अच्छे से। देखिए ये मेरे पास बोर्ड है,